यहाँ से फाइल मेनू में आने के बाद यहाँ से फाइल में क्लिक करना है। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट जो मेनू है, एक्सपोर्ट फाइल से एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट से यहाँ से मीडिया, मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे मीडिया में क्लिक करने के बाद यहाँ से H264 ये क्लिक करना है। और एक सेकेंड स्टेप में डालना है यूट्यूब, यहाँ से चूज करना है। सेकेंड में जो ऑप्शन है उसमें ये डालना है यूट्यूब। सो यहाँ पे एक नेम दे देना है। नेम देने के बाद और एक स्टेप जो है यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है सेम फाइल, फाइल टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आने के बाद यहाँ से मीडिया, नेक्स्ट मीडिया में आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट जो टैब है यहाँ MPG2, एंड नेक्स्ट MPG2 क्लिक करने के बाद सेकेंड जो टैब है उसके नीचे में, ठीक नीचे जो टैब है उसमें सेम टेक्निक यहाँ पे HD 1080p 29.97 ये जो ऑप्शन है ये क्लिक करना है। सो ये थी सेकेंड प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस में आप रेंडर क्विकली रेंडर आउट कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस में तो फास्टर रेंडर होता है। सो